गोरखपुर में सड़कों के चौड़ीकरण को लेकर चल रहे 4 लेन 6 लेन रिंग रोड के कार्यों के संबंध में जिलाधिकारी केविन पांडे ने बताया कि जंगल कौड़िया से मोहद्दीपुर तक 4 लेन का निर्माण चल रहा है। इसके अलावा जेल रोड बाईपास से बरगदवा तक 4 लेन बनाया जाएगा। जिलाधिकारी केविन पांडे ने बताया कि सड़कों के चौड़ीकरण के मध्य में आने वाली जमीन और मकानों को अधिग्रहित करने के बाद उचित मुआवजा दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि जेल रोड बाईपास चौड़ीकरण का काम भी शुरू कर दिया गया है और आसपास आने वाले भवनों और जमीनों का सर्वे भी किया जा चुका है। इसके अलावा सड़कों के दोनों तरफ नाली का निर्माण भी कराया जा रहा है। जिनके हिस्से से जमीन आएगा उन्हें उचित मुआवजा दिया जाएगा। जिलाधिकारी ने कहा कि सड़कों के चौड़ीकरण से आवागमन सुगम और सरल होगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी के विजय पांडे ने कहा, देखिए यहाँ जो इनर रिंग रोड बन रहा है गोरखपुर में और अनेक परियोजना जारी है, जैसे जंगल कोड़िया से मोहद्दीपुर और मेडिकल कॉलेज रोड और पेडलीगंज से नौसेट और ये जो रिंग रोड अंदर रिंग रोड जो किसका जो आप कह रहे हैं जो जेल रोड से लेकर के खजांची तक जोड़ने का मार्ग था, इसी का भी जो पहले 2 लेन से 4 लेन में कन्वर्ट हो रहा है। इस पर जो किसी के भी हिस्सा जाता है उसका ज़मीन का और भवन दोनों का मौजूद कंपोनेंट उस पर है। बजट हम लोगों के पास अवेलेबल है। इस समय में जो प्रिलिमिनरी स्टेज में सर्वे चल रहा और जो किनारे किनारे नाला बनाने के काम चल रहा, वैसे ही किसी का हिस्सा पार्ट में आ जाता है ज़रूर उनका मुआवजा दे के बैनामा करने के बाद ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। हाँ, जो राइट ऑफ वे पहले से ही मौजूद है 4 लेन का, यदि हो सकता है कुछ लोग एनक्रोच होकर के PWD के रास्ता की तरफ आ गए तो फिर उन लोगों का नहीं मिलेगा। जो उनका ज़मीन है, जायदाद है, कागज़ उनके पास है, भवन उनने बना हुआ, तो निश्चित रूप से उचित रेट पर अधिकतम जो कितने मुआवजा हम दे सकते हैं ज़रूर देंगे। सर कितनी चौड़ी सड़क रहेगी इसका? 4 लेन चौड़ी सड़क है, मान लीजिए तो 23 से 25 मीटर का चौड़ीकरण होगा। जगह जगह बीच में 2 मीटर का मीडियन रहेगा, 7-7 मीटर का है, तो अच्छा चौड़ी सड़क आपका शहर के बीच में मिलेगा। बहुत सारे जनता का जो तो ट्रैफिक का समस्या से काफ़ी राहत मिलेगा उसी का है। वो अभी 2 महीने के अंदर कम्प्लीट भी हो जाएगा, योजना बहुत तेज़ी से चल रहा है।